Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेटेस्ट गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ. ये एक गुड न्यूज़ भी है और बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकती है. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. ये एम्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. तो गाइस ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की तरफ से जो अभी उनके बेसिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस, जो ये PDF आप देख रहे हैं, इसको रिलीज़ करा है. और इसमें जो डेट है, जो इमेजेस जिनकी गलत हो गई थी और दोबारा अपलोड करनी थी, उसकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी है. पहले ये खाली 22 तारीख तक थी, बट इसमें आप कोई और करेक्शन नहीं कर सकते, ओनली फोटो कर सकते हैं. एक बार मैं इस नोटिस को आपको पढ़ के बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है. द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली इन द कैंडिडेट्स इंटरेस्ट हैज़ एक्सटेंडेड द डेट ऑफ री अपलोडिंग ऑफ करेक्ट इमेजेस इन प्लेस ऑफ रिजेक्टेड इमेजेस फ्रॉम 25 जनवरी 2019 टू 27 जनवरी 2019 अप टू 5 PM. All applicants are requested this facility. Accordingly, the revised schedule will be as follows. तो मैं आपको बता दूँ, जिनकी भी इमेज जो है वो करेक्ट नहीं थी, वो अपनी इमेज को, रिजेक्टेड इमेज जिनकी भी हो गई थी, वो करेक्ट कर सकते हैं, री अपलोड कर सकते हैं. और इसके लिए एक्सटेंडेड डेट, मैं रिवाइज डेट आपको बताता हूँ. जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं अपलोडिंग इमेज 17 तारीख से 22 तारीख तक थी, जो अब रिवाइज होकर 25 से 27 जनवरी तक हो चुकी है, यानी कि आज और कल आप इसको कर सकते हैं. और फाइनल स्टेटस आपको 28 तारीख को मिल जाएगा. मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाई हुई थी और मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहूँगा. और ध्यान रहे कि आप इसको ज़रूर कर लें अगर आपकी रिजेक्ट हो गई है तो, क्योंकि इसमें लास्ट में एक बहुत अच्छा एक नोट भी लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल कंसर्न में प्लीज़ नोट दैट ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट शॉल बी एलिजिबल टू कम्प्लीट अदर प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ जनरेशन ऑफ कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. ये सब आपको प्लीज़ आप इसे अगर गलत हो गया तो कर ले, क्योंकि आगे जो फाइनल रजिस्ट्रेशन और जनरेशन ऑफ कोड वो सब करेंगे तो उसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपकी इमेज अगर रिजेक्ट हो गई है तो आप प्लीज़ एक दोबारा से एक सही इमेज, अच्छी इमेज अपनी अपलोड कर दीजिए, ताकि आपको आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, बिकॉज आपने पूरे साल मेहनत कर रखी है. और फिर अच्छा नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन ना कर पाए. तो गाइस इस वीडियो में इतना ही. ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. नीट JEE और MCA इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा. और मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.